नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पौड़ी जिले में विधायक कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर विधायक राजकुमार पौड़ी समेत कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए वक्ताओं ने उनके जीवन चरित्र पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजित कार्यक्रम में विधायक पौड़ी ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रखर राष्ट्रवादी व करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक विधान एक निशान का नारा दिया था तथा धारा 370 खत्म करने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया गया है। कहा कि मुखर्जी का पूरा जीवन एक विचारधारा को समर्पित रहा जिससे उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। इस मौके पर उन्होंने सभी से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कहा कि माँ भारती की सेवा में समर्पित मुखर्जी का जीवन करोड़ों देशवासियों में राष्ट्र प्रेमियों देश के प्रति समर्पण की अलख जगाता रहेगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा नरेंद्र प्रसाद टमटा, जिला महामंत्री भक्ति साहब, पूर्व सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगलर, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विवेक ममगाई, महिला मोर्चा पौड़ी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संगीता डोभाल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों के साथ मेरे कार्यालय में पौड़ी में सभी लोगों ने आज अपने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस मनाया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की और सभी लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की कि उन्होंने देश को जोड़ने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो अपना बलिदान दिया है वो आज सभी लोगों को याद रखने योग्य है, स्मरण रखने योग्य है और सभी लोग उनको बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि के साथ, भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ सब लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और सब लोगों ने उनके प्रति निष्ठा और जो उनका जो हमारे की भारतीय जनता पार्टी का जो आज देश में डंका बज रहा है, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्टार्ट किया, शुरुआत की है जिन लोगों ने और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में फल फूल रही है। ये जो बीज रोपण किया गया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो बट वृक्ष तैयार हुआ है इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, इना देखा इना देखा जनता पार्टी जनसंघ की नींव रखी और जब देश आजाद हुआ इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये छोटे छोटे जो राजे थे उसके बाद हमारे दीनदयाल जी कृषि अध्यक्ष थे वो इनके साथ देहांत हो गए तो उसके बाद दीनदयाल जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उसके बाद मेरी पार्टी यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।